इंदौरा के ढा कुल्हाड़ा से सेवानिवृत्त फौजियों द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ए के खत्म करने पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सामान्य उद्योग निगम के 22 चेयरमैन एवं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने शिरकत की। मनोहर धीमान के कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रोग्राम में सर्वप्रथम देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद फौजी भाइयों ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने पर खुशी जाहिर करते हुए मनोहर धीमान के सौजन्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए मनोहर धीमान ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर जम्मू कश्मीर देश का अंग होने के बावजूद भी देश से अछूता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धारा 370 और 35 ए जैसे कानून को देशवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है और आतंकी देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हो गई बंद गुफा। भाई साहब बोल रहे कि मैं नाम नहीं दूंगा, मैं नाम लेता हूँ लोगों के कौन कह रहे फिर के प्रश्नों की कश्मीर में हो गए बंद दुकान। पाक बोले अमरीका चाइना से कुछ तो करे जनाब, पाक बोले अमरीका चाइना से कुछ तो करे जनाब। भारत में दखल अंदाजी कब देंगे साफ जवाब, भारत में दखल अंदाजी का कौन कौन से अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती और मलिक जासिम।